वेलकम टू बेस्ट प्लस अफेयर्स। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में। तो हमने पार्ट 3 तक मैंने अपलोड कर दिया है, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, और मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ पे यहाँ पे वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो हमने इससे पहले जो पार्ट 3 हमने अपलोड कर दिया है उसके अंदर क्या क्या पढ़ लिया, तो हमने पढ़ लिया इतिहास के बारे में, ठीक है। 3 पार्ट के अंदर इसको डिवाइड किया गया, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। उसके बाद अपने पढ़ा कालीबंगा सभ्यता के बारे में और उसकी विशेषताओं के बारे में कि कहाँ पे विकसित होती है, कौन सी नदी के किनारे ये विकसित होती है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो। फिर पढ़ा आहार सभ्यता, फर्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ा कालीबंगा और सेकेंड पार्ट में आहार सभ्यता, ठीक है, उसकी विशेषताएं, और गणेश्वर सभ्यता पढ़ा। और थर्ड पार्ट के अंदर हमने पढ़ा नगरी सभ्यता, बागोर सभ्यता, रेड सभ्यता और रंग महल सभ्यता। तो ये 4 सभ्यता स्थल पढ़ी हमने थर्ड पार्ट के अंदर। तो आज के पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं बैराट या विराट नगर सभ्यता, सोनारी सभ्यता और कुछ छोटी छोटी और सभ्यता स्थल हैं, तो उनके बारे में हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखें और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बैराट नगर सभ्यता के साथ। तो क्या है बैराट नगर सभ्यता और कहाँ विकसित होती है ये? तो बैराट नगर सभ्यता, जिसका अन्य नाम विराट नगर सभ्यता, जिसका महाभारत के अंदर अपन को उल्लेख मिलता है, और ये विराट नगर जयपुर में मिलती है अपन को, ठीक है। और ये कौन सी नदी के किनारे विकसित होती है? तो ये बाण गंगा नदी के किनारे विकसित होती है। कौन सी नदी के किनारे? बाण गंगा नदी के किनारे, जिसको ताला नदी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसको अर्जुन की गंगा नदी के किनारे, ठीक है, अर्जुन की गंगा भी बोलते हैं इसको, बाण गंगा या ताला नदी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मत्स्य जनपद की राजधानी बैराट थी, ये हमको इसकी जानकारी मिलती है। और सर्वप्रथम इसका उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? तो हमें महाभारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा साहित्यिक ग्रंथ है, कौन है? महाभारत, वहां पे अपन को देखने को मिलता है। और यहां से सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बुना हुआ वस्त्र के साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं, बुने हुए वस्त्र, ठीक है। तो सर्वप्रथम उल्लेख महाभारत में देखने को मिलता है, किसका? बैराट नगर और विराट नगर सभ्यता का। जयपुर राज्य सवाई राम सिंह द्वितीय, जो जयपुर राज्य के जो शासक थे सवाई राम सिंह द्वितीय, उनके काल के अंदर इसका उत्खनन करवाया गया। और सवाई राम सिंह द्वितीय ने ही 1857 में 1857 की क्रांति भी हुई थी। तो ये भी एक एक्स्ट्रा फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है कि सवाई राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में ही 1857 की क्रांति हुई थी राजस्थान में। और सवाई राम सिंह द्वितीय ने ही जब जयपुर के अंदर प्रिंस वेल्स आते हैं 1876 के अंदर, तो वे जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाते हैं, और तब से ही जयपुर को गुलाबी नगर कहा जाता है। तो ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके जो उत्खनन करता थे वो कौन थे? तो वो थे राय बहादुर दयाराम साहनी, 1936-37 के अंदर इसको उत्खनन किया सर्वप्रथम, ठीक है। तो सर्वप्रथम इनके पश्चात सर्वेक्षण किया गया। तो अगर उत्खनन करता पूछे तो आपको दयाराम साहनी लिखना है, विराटनगर विराटनगर सभ्यता का। और अगर सर्वेक्षण पूछे तो आपको कैलाश दीक्षित या नील रत्न बनर्जी आपको आंसर देना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं इसकी विशेषताएं, ठीक है। तो क्या विशेषता रही विराटनगर सभ्यता के अंदर, अपन को क्या क्या विशेषता देखने को मिलती? तो यहां से अपन को 3 पहाड़ियों के प्रमाण देखने को मिलते हैं। अब वो 3 पहाड़ियां कौन कौन सी है? तो एक तो है बीजक की पहाड़ी, काफी नाम सुना होगा आपने इसको, एक है गणेश डूंगरी और एक है भीम डूंगरी। तो बीजक की पहाड़ी से अपन को 2 शिलालेख देखने को मिलते हैं। नाम तो दोनों का एक ही है, बबरू शिलालेख, लेकिन वो अलग अलग समय पर खोजे गए इसलिए उसको 2 शिलालेख माना जाता है। तो बबरू शिलालेख प्रथम किसके द्वारा खोजा गया ये? तो ये 1837 में कैप्टन रॉबर्ट के द्वारा ये खोजा जाता है। किसके द्वारा? 1837 में कैप्टन रॉबर्ट के द्वारा बबरू शिलालेख प्रथम खोजा गया है। कहाँ से? बीजक की पहाड़ी से, ठीक है। तो इससे अपन को क्या मिलता है, कौन कौन से साक्ष्य देखने को मिलते हैं? तो इससे अपन को मिलता है कि जो सिंधु घाटी की जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो बुस्तुक हिदन में थी, और जो विराटनगर सभ्यता के अंदर जो ये लेख लिखा है बबरू शिलालेख, वो भी बुस्तुक हिदन शैली के अंदर लिखा हुआ। और यहाँ पर इस शिलालेख से अपन को ये भी देखने को मिलता है कि गौ हत्या पर प्रतिबंध यहाँ पर लगाया गया था, ठीक है। इस स्थान पर गौ हत्या का प्रतिबंध लगाया गया था। और यहाँ से अशोक के धम्म, संघ और बुद्ध, जो 3 अशोक के जो 3 मंदिर थे, धम्म, बुद्ध और संघ, वो भी देखने को मिलते हैं। और मगध राजा, जो मगध का जो राजा घोषित किया गया था, ठीक है, तो हमको धम्म, संघ और बुद्ध देखने को मिलते हैं बबरू शिलालेख प्रथम से। और मगध राजा
किसको बताया गया है? तो अशोक को बबरू शिलालेख में मगध का राजा बताया गया है, और इसको बौद्ध अनुयायी भी कहा गया है। मतलब ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, मतलब बौद्ध धर्म को ये संरक्षण देता था। तो हम इस बात से ये अंदाजा भी लगा सकते हैं कि उसने अपने पुत्री और पुत्र को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने। ठीक है, किसको? अशोक ने। ठीक है, तो ये हो गया जो बबरू शिलालेख प्रथम था 1837 में कैप्टन रॉबर्ट ने जिसको खोजा था। ठीक है, अब जो ये वर्तमान के अंदर जो बबरू शिलालेख प्रथम है वो कहाँ पर है? तो वो है कोलकाता संग्रहालय के अंदर है। कब? कब से? 1840 से। ठीक है, और कोलकाता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, और ममता बनर्जी वहां की मुख्यमंत्री है वर्तमान में। फिर है बबरू शिलालेख द्वितीय। ठीक है, किसने खोजा था इसको? इसको खोजा था कार्लाइल ने 1871-72 के अंदर। कब खोजा था? 1871-72 के अंदर इसको खोजा था। तो ये हो गए बीजक की पहाड़ी से मिलने वाले कुछ शिलालेख। और यहां से सोने का एक कलश मिला है जिसके अंदर बुद्ध के अवशेष मिले हैं। ठीक है, क्या मिला है? सोने का कलश मिला है। ठीक है, और उसके अंदर बुद्ध के अवशेष मिले हैं। किसके काल में? राम सिंह द्वितीय के काल में, जो कि जयपुर के शासक है, शासक थे। फिर है गणेश डूंगरी, जिससे कुछ खास संबंध को मिलता नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि गणेश डूंगरी है। और यहाँ से भी कुछ प्रमाण देखने को मिलते हैं। भीम डूंगरी, यहाँ से हमको भीमलत तालाब देखने को मिलता है। और ये माना जाता है कि भीम ने अपने पैरों से, मतलब पैर से ऐसे जमीन के ऊपर मारकर वहां पर इतना बड़ा गड्ढा कर दिया था। ठीक है, और ताकि मतलब तालाब बन गया, मतलब प्यास लग रही थी तो भीम ने तालाब बना दिया। ठीक है, अपने लात मारकर, तो इसलिए इसको भीमलत तालाब भी कहा जाता है, जो कि भीम डूंगरी के ऊपर है। और यहाँ से महाभारत कालीन अवशेष देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और विराटनगर बैराट सभ्यता से 1999 में बौद्ध विहारों की प्राप्ति होती है। और विहार क्या होते हैं? तो विहार जहां पर बौद्ध भिक्षु रुकते हैं, ठीक है, विश्राम करते हैं, वो विहार कहलाते हैं। तो विहार और चैत्य मैंने आपको बता रखा है, तो वहाँ वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। जो मिडाइवल एंशियंट मिडाइवल हिस्ट्री है इंडिया की, वहां से जाके आप देख सकते हैं। मथुरा शैली में गौतम बुद्ध की प्रतिमा भी यहाँ से प्राप्त होती है। तो विराट और बैराट नगर सभ्यता से मथुरा कला के अंदर जो गौतम बुद्ध की जो प्रतिमा है वो भी देखने को मिलती है। सर्वप्रथम भारत में सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष अगर कहीं से मिलते हैं तो वो बैराट नगर सभ्यता से मिलते हैं। संख लिपि और यूनानी सिक्का भी यहाँ से देखने को मिलता है। तो ये हमने पढ़ा बैराट सभ्यता के बारे में। ठीक है, एक और देख लेते हैं। दयाराम सानी के अनुसार, किसके अनुसार? दयाराम सानी के अनुसार हूण शासक मिहिर कुल ने मंदिरों और स्तूपों को नष्ट करवा दिया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है बैराट सभ्यता के अंदर कि वह कौन सा शासक था, ठीक है, जो दयाराम सानी के अनुसार मंदिरों और स्तूपों को नष्ट करवा दिया था। तो वो थे हूण शासक मिहिर कुल। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर हम नेक्स्ट सभ्यता जो पढ़ेंगे वो है सुनारी सभ्यता। कौन सी सभ्यता? सुनारी सभ्यता। सुनारी सभ्यता, सुनारी जो झुंझुनू के अंदर सुनारी स्थान है वहां पर विकसित होती है। कहाँ पर विकसित होती है? झुंझुनू के सुनारी स्थान के ऊपर। उत्खनन इसका 1980-81 के अंदर राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग के द्वारा करवाया जाता है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका उत्खनन 1980-81 के अंदर राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग के द्वारा करवाया जाता है। और भारत में सर्वप्रथम लोहे बनाने की प्राचीनतम भट्टियों के साक्ष्य यहाँ देखने को मिलते हैं। राजस्थान में ही नहीं बल्कि इंडिया के अंदर, पूरे संपूर्ण भारत में सर्वप्रथम लोहे बनाने की प्राचीनतम भट्टियों के साक्ष्य अगर कहीं से मिलते हैं तो वो है सुनारी सभ्यता, जो अपन को कहाँ से मिलती है? झुंझुनू के सुनारी नामक स्थान से। यहाँ से लोहे से बना एक कटोरा देखने को मिलता है, और तीर और भाले भी लोहे से निर्मित यहाँ पे किए जाते थे। मौर्यकालीन सभ्यता के यहाँ अवशेष देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो मौर्यकालीन सभ्यता के चार स्थानों से अवशेष देखने को मिलते हैं। अब वो चार स्थान कौन कौन से हैं जो मतलब सभ्यता भी है? विराटनगर जो जयपुर से मिली है, जो अपन ने जस्ट अभी पढ़ा, सुनारी सभ्यता जो अपन पढ़ रहे हैं झुंझुनू से, नोहा भरतपुर से जो हम पढ़ने वाले हैं, और जोधपुर जयपुर, जोधपुरा जोधपुरा जयपुर। तो आपको ये कन्फ्यूज नहीं होना कि जोधपुरा नाम है तो जोधपुर में होगी, नहीं ऐसा नहीं है, जोधपुरा है ये, तो वो जयपुर में ही है। ये भी एक सभ्यता स्थल है जो हम आगे भी पढ़ेंगे। तो मौर्यकालीन सभ्यता के साथ साथ यहाँ से शुंग और कुषाणकालीन शासकों के भी अवशेष देखने को मिलते हैं। तो ये थी सुनारी सभ्यता, जो अपन को कहाँ से मिलती है? झुंझुनू से। और लोहे बनाने की जो प्राचीनतम भट्टियों के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से देखने को मिलती है अपन को? वो मिलते हैं सुनारी सभ्यता के अंदर से। ठीक है, तो ये हमने देखी सुनारी सभ्यता। फिर नेक्स्ट सभ्यता कौन सी है अपनी? तो वो है बालाथल सभ्यता। कौन सी है? बालाथल
सभ्यता। बालाथल सभ्यता उदयपुर के अंदर अपन को देखने को मिलती है, और जो बालाथल था वो वल्लम नगर तहसील, ठीक है, बालाथल की वल्लम नगर तहसील के अंदर अपन को, सॉरी, जो बालाथल सभ्यता है वो वल्लम नगर तहसील के अंदर देखने को मिलती है, जो कि कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर, और इसको उत्तर ताम्रकालीन सभ्यता कहा जाता है। जैसे गुप्त काल था, अब गुप्त के बाद क्या आता है, गुप्तोत्तर काल, वैसे ही मौर्य काल था, तो मौर्य के बाद क्या आता है, मौर्योत्तर काल, और वैसे ही जैसे ताम्रकालीन सभ्यता थी, जैसे हड़प्पा हो गई, मोहनजोदड़ो हो गई, ठीक है, कालीबंगा हो गई, तो उसके बाद का जो काल आता है वो उत्तर ताम्रकालीन सभ्यता आता है। मतलब जो तांबे के जो उपकरण थे उसके बाद लोहे की खोज हो गई थी, और लोहे की खोज के बाद लोहे के उपकरण बनने लग जाते हैं, इसलिए बालातल जो सभ्यता है वो उत्तर ताम्रकालीन सभ्यता कहा जाती है। ठीक है, अब इसको चार भागों में बांटा जाता है, बालातल सभ्यता के अंदर कौन कौन से, एक तो ये है कि इसके अंदर एक तो बुना हुआ वस्त्र देखने को मिलता है, जो कि विराटनगर के पश्चात बालाथल सभ्यता के अंदर ही देखने को मिलता है। मतलब पहला मिला विराटनगर सभ्यता के अंदर या विराट सभ्यता में, और दूसरा अपन को मिलता है बालाथल सभ्यता के अंदर, और यहीं से एक कंकाल मिला है जो 4000 वर्ष पुराना है, ठीक है, जहां से अपन को ये पता चलता है कि कुष्ठ रोग का सबसे पुरातन प्रमाण देखने को मिलता है। ठीक है, कुष्ठ रोग आप जानते होंगे, जिनके जैसे उंगलियां ऐसे टेढ़ी हो जाती है, उनको वो कुष्ठ रोग से पीड़ित होते हैं। ठीक है, तो जो कंकाल मिला है 4000 वर्ष पुराना बालाथल सभ्यता से, उससे पता चलता है कि कुष्ठ रोग सबसे, मतलब कुष्ठ रोग उस जमाने में भी हुआ करते थे, और सबसे पुरातन प्रमाण अगर देखने को मिलते हैं कुष्ठ रोग के, तो बालाथल सभ्यता से ही देखने को मिलते हैं। लोहे का प्रयोग यहाँ पे स्टार्ट हो चुका था 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है, 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे का प्रयोग यहाँ से स्टार्ट हो गया था। यहाँ से अपन को गाय और बैल की मण मूर्तियां देखने को मिलती है, जैसे कि अपन ने आर्ट सभ्यता के अंदर पढ़ा था वैसे ही। ठीक है, आर्ट सभ्यता के अंदर अपन को जो बैल की जो मण मूर्ति देखने को मिलती है उसको बनासी बुल के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर जो बुल जो बैल की जो मण मूर्ति मिलती है उसको बालाथल बुल की संज्ञा दी गई है। कौन से बुल की, बालाथल बुल की संज्ञा दी गई। आर्ट सभ्यता के समान यहाँ अवशेषों की प्राप्ति होती है, जैसे कि आर्ट सभ्यता के अंदर देखने को मिलती है, और दुर्ग जैसी इमारतों के यहाँ अवशेष देखने को मिलते हैं। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट अगर अपन कोई देखने को मिलता है अवशेष, तो वो 11 भवनों का एक कमरा देखने को मिलता है। मतलब काफी विशाल कमरा है जिसके अंदर 11 भवन है। कितने हैं, 11 भवन, तो वो भी बालाथल सभ्यता से ही देखने को मिलता है। तो ये हमने पढ़ा बालाथल सभ्यता, जो कि उदयपुर से अपन को प्राप्त होती है। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे ओजियाना सभ्यता। कौन सी सभ्यता, ओजियाना सभ्यता कहाँ से देखने को मिलती है ये अपन को, तो ये भीलवाड़ा से देखने को मिलती है। आर्ट सभ्यता के संबंधित अवशेषों की प्राप्ति होती है, तो आर्ट सभ्यता इंपोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि लगभग आने वाली जितनी भी सभ्यता है वो आर्ट सभ्यता से मिलती जुलती है, मतलब जो वहां से मिलने वाले जो अवशेष हैं वो आर्ट सभ्यता से मिलते जुलते हैं, इसलिए वो इंपोर्टेंट है। यहाँ से भी अपन को गाय और बैल की मन मूर्तियां मिलती हैं, और बैल की जो जो मन मूर्ति मिलती है उसको ओजियाना बुल की संज्ञा दी गई है इतिहासकारों के द्वारा। मूल मूर्तियों पर सफेद रंग की डिजाइन है, तो अपन को बैल की तीन मूर्तियां मिलती हैं, एक तो आर्ट सभ्यता से जिसको बोलते हैं बनासील बुल, ठीक है, फिर मिली बालाथल से जिसको बोलते हैं बालाथल बुल, और एक मिली है ओजियाना ओजियाना से, ठीक है, जिसको ओजियाना बुल की संज्ञा दी गई। इसका उत्खनन 2000-2001 के अंदर किया गया था, और उत्खनन के आधार पर इस सभ्यता के विकास को तीन चरणों में माना जाता है कि इस सभ्यता का विकास तीन चरणों में हुआ था। और इसका जो उत्खनन किसके नेतृत्व में किया जाता है, तो वो राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग के द्वारा उत्खनन इसका करवाया जाता है। तो ये इतनी सी है, तो ये अपन को इम्पोर्टेंट कि एक तो ओजियाना बुल, ठीक है, और आर्ट सभ्यता से इसकी समानता जो इसके अवशेषों में उसकी समानता देखने को मिलती है, और ये कहाँ से मिलती है, तो ये भीलवाड़ा में देखने को मिलती है। तो ये इतना सा आपको ध्यान रखना। फिर जो नेक्स्ट सभ्यता है वो क्या है, तो वो है कुराड़ा स्थल। जो नेक्स्ट सभ्यता स्थल है वो क्या है, कुराड़ा स्थल कहाँ से मिलता है, ये पर्वत सर नागौर में कुराड़ा नामक गांव से ये देखने को मिलता है। इसको औजारों की नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, औजारों की नगरी, क्योंकि यहाँ से मई 1934 में कुल 103 ताम्र उपकरणों की प्राप्ति होती है। कितने, 103 ताम्र उपकरणों की प्राप्ति होती है। ताम्र उपकरण जो तांबे से निर्मित हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले
ताम्रकालीन उपकरणों तथा ताम्र पत्रों की यहाँ पर प्राप्ति होती है। मतलब जब 1947 में अपन को स्वतंत्रता मिलती है उससे पहले ही यहाँ पर ताम्र उपकरण अपन को प्राप्त हो जाते हैं। पर्नाल युग अर्घ्य पत्र की प्राप्ति होती है जो कि ईरान के साथ पारस्परिक संबंधों का प्रतीक है। यहाँ अर्घ्य पत्र से तात्पर्य यह है कि ईरान के साथ पत्राचार व्यवहार होता था, ठीक है, उसी को अर्घ्य पत्र कहा गया है। तो पत्राचार व्यवहार के साथ अपन को ये मिलता है कि जो ईरान ईरानियन जो सभ्यता थी उसके साथ राजस्थान की सभ्यता जो कुराड़ा स्थल है वहां से भी इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा जोधपुरा स्थल जो कि जयपुर के अंदर है और कोटपुतली तहसील के अंदर ये अपन को देखने को मिलता है। यहाँ से मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेषों की प्राप्ति होती है। और उस वो कैसे पता चलता है कि ये मौर्यकालीन सभ्यता है, क्योंकि वहां से काली पोलिस युक्त मद्वान देखने को मिलते हैं जो कि मौर्यकालीन सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। विराटनगर सभ्यता के ये निकट है और साबी नदी के किनारे ये विकसित हुई थी। तो जोधपुरा जो स्थल है सभ्यता स्थल है वो साबी नदी के किनारे विकसित हुआ था। कहाँ पर? कोटपुतली तहसील जयपुर। लोह अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियों की यहाँ पर प्राप्ति होती है। तो लोहा अयस्क, ठीक है, जिसका उल्लेख अपन को वेदों में भी देखने मिलता है। अयस्क वहां पे अयस्क शब्द लिखा हुआ है ऋग्वेद के अंदर। तो लोहा अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियों की प्राप्ति कहाँ से होती है? जोधपुरा स्थल से, जो कि कोटपुतली तहसील जयपुर के अंदर अपन को मिलती है। तो ये हमने देख लिया कौन कौन सा हमने देखा, ओजियाना, कुराड़ा और जोधपुर। अब देखेंगे हम नगर सभ्यता, ठीक है। नगर सभ्यता एक अपने पढ़ी थी नगरी सभ्यता, ठीक है, ये नगरी नहीं है ये है नगर सभ्यता। तो कंफ्यूज नहीं होना है नगरी और नगर के अंदर, तो ये आपको ध्यान रखना। नगर सभ्यता अपन को मिलती है टोंक के अंदर। इसका प्राचीन नाम मालव नगर है यानी कि मालव गणराज्य की राजधानी, ठीक है, इसलिए इसको मालव नगर कहा गया। और अन्य नाम एक और है इसका करकोटा नगर। क्या है? करकोटा नगर। कई बार एग्जामिनर जो होता है वो नाम के अंदर भी आपको कंफ्यूज कर सकता है कि करकोटा नगर जो है वो किस सभ्यता के अंदर, किस सभ्यता का अन्य नाम है, उपनाम है, तो वो है नगर सभ्यता जो कि टोंक के अंदर अपन को मिलती है। यहाँ से आहत मुद्राओं की प्राप्ति होती है जिनको पंचमार्क कहा जाता है। और मैंने आपको क्या बताया था, जहां भी आहत और पंचमार्क आ जाए तो वो चांदी से ही निर्मित होंगी। मालव गणराज्य के सिक्कों की यहाँ पर प्राप्ति होती है। मालव गणराज्य के सिक्कों की प्राप्ति होने का कारण यही है कि नगर जो सभ्यता है वो मालव गणराज्य की राजधानी थी। यहाँ से महिषासुर मर्दिनी की मण मूर्ति की प्राप्ति होती है। किसकी? महिषासुर मर्दिनी की मण मूर्ति की प्राप्ति होती है जो इसका प्राचीनतम अंकन है, मतलब बहुत ही पुराना अंकन है। सिंह वरुण माँ दुर्गा का प्राचीनतम अंकन यहाँ भी देखने को मिलता है जो शुंगकालीन कला का उदाहरण माना जाता है। यानी कि शेर पे विराजमान माँ दुर्गा की जो मूर्ति मिलती है यहाँ पर वो शुंगकालीन प्रमाण का उदाहरण है। किसका? शुंगकालीन कला के प्रमाण। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर, नगर सभ्यता के अंदर। एक तो ये किस स्थान पर विकसित हुई है, किस जिले के अंदर। दूसरा, यहाँ से महिषासुर मर्दिनी की मनमूर्ति मिलती है और सिंह वरूड माँ दुर्गा का प्राचीनतम अंकन भी देखने को मिलता है। और ये मालव गणराज्य की राजधानी थी। तो ये प्रमुख बातें हैं जो इसके बारे में आपको ध्यान रखना। फिर है नौह सभ्यता स्थल। कौन सा? नौह सभ्यता स्थल। कहाँ से? नौह भरतपुर से देखने को मिलता है जो राजस्थान के पूर्व में है। ये कौन सी नदी के किनारे विकसित होती है? तो ये रूपा रेल नदी के किनारे विकसित होती है जिसको अलवर का शोक भी कहा जाता है। शोक से तात्पर्य ये है कि अलवर के अंदर ये नदी पास होती है। कौन सी? रूपा रेल नदी। इसके अंदर बाढ़ आने से आसपास के जो क्षेत्र हैं वो जलमग्न हो जाते हैं जिससे जान माल की काफी हानि होती है, इसलिए इसको शोक कहा जाता है। 1963-64 के अंदर रतन लाल अग्रवाल ने राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग के की आज्ञा अनुसार इसका उत्खनन करते हैं। यहाँ से पांच संस्कृतियों के प्रमाण देखने को मिलते हैं। नौह सभ्यता स्थल से पांच संस्कृतियों के प्रमाण देखने को मिलते हैं। कितने? पांच। वो पांच संस्कृतियां कौन कौन सी हैं? जिनमें सबसे पहला है, जैसे कि राजस्थान का एकमात्र साक्ष्य है, एकमात्र स्थल जहां से पांच संस्कृतियों का उल्लेख मिलता है, मतलब महाभारत काल से ताम्रयुगीन सभ्यता तक। आर्यकालीन सभ्यता के अवशेषों की यहाँ से प्राप्ति होती है। यहाँ से एक पक्षी चित्रित ईंट देखने को मिलती है जिसके ऊपर पक्षी बना हुआ है, ठीक है, पक्षी बना हुआ है। थोड़ी ड्राइंग मेरी खराब है तो आप ये देख लीजिए कि मतलब पक्षी चित्रित एक ईंट की जो प्राप्ति हुई है वो नौह सभ्यता स्थल से हुई है जो कि भरतपुर के अंदर है। यक्ष यानी कि जोग बाबा की मूर्ति की यहाँ पे प्राप्ति होती है, यक्ष जोग बाबा। तो आपको यहाँ पे तीन चीजें ध्यान रखनी है। पहला तो
ये कहाँ मिलती हैं? तो भरतपुर में। कौन सी नदी के किनारे विकसित? रूपाली नदी के किनारे विकसित। इसके जो उत्खननकर्ता थे रतनलाल अग्रवाल हैं। पांच संस्कृतियों के यहाँ से प्रमाण मिलते हैं और पक्षी चित्रित ईंट और यक्ष जोग बाबा की मूर्ति यहाँ से देखने को मिलती है। तो ये प्रमुख बातें हैं जो नौ सभ्यता स्थल के बारे में आपको ध्यान रखनी है। फिर जो नेक्स्ट है वो है हमारी सोंती सभ्यता। कौन सी? सोंती सभ्यता। सोंती सभ्यता हनुमानगढ़ जिले के अंदर देखने को मिलती है और ये सरस्वती जो गगन नदी के किनारे ये विकसित होती है। यहाँ से अपन को हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेषों की प्राप्ति होती है। कौन से? हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेषों की। इसका उत्खनन किसने किया? तो अमलानंद घोष ने किया था 1953 के अंदर, और कालीबंगा का भी यही करते हैं। तो जो अमलानंद घोष है वो सोंती सभ्यता को कालीबंगा प्रथम के नाम से इसको मतलब विशेषित किया, संज्ञा दी कालीबंगा प्रथम के नाम से। किसने? अमलानंद घोष ने। फिर आते हैं आपको इतना सोंती सभ्यता में इतना याद ध्यान रखना है कि हनुमानगढ़ जिले के अंदर ये विकसित होती है, सरस्वती या गगन नदी के किनारे, उत्खननकर्ता अमलानंद घोष 1953, और इसको कालीबंगा प्रथम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट सभ्यता स्थल है बरौर सभ्यता स्थल, जो कि गंगानगर बरौर के अंदर अपन को मिलता है। उत्खनन इसका 2003 के अंदर हुआ था राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग के द्वारा। यहाँ से शहरी सभ्यता के अवशेषों की प्राप्ति होती है और बटन के समान मोरों की भी प्राप्ति यहाँ से होती है। तो यह आपको ध्यान रखना है कि बरौर सभ्यता गंगानगर बरौर से मिलती है, उत्खनन 2003 के अंदर, और शहरी सभ्यता के यहाँ से प्रमाण मिलते हैं और बटन के समान मोहरों की यहाँ से प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है मल्लाह सभ्यता स्थल, भरतपुर से मिलता है। मल्लाह कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर, और यह घाना पक्षी अभयारण्य के मध्य में स्थित है। ठीक है, तो आप मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि चौथा टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान के अंदर घोषित किया गया है वो उसका नाम क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। घाना पक्षी अभयारण्य के मध्य स्थित है मल्लाह सभ्यता स्थल। लोह कालीन सभ्यता के अवशेषों की यहाँ से प्राप्ति होती है और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि यहाँ से ताम्र हारपून व तलवारों की प्राप्ति होती है। ताम्र हारपून और तलवारों की प्राप्ति होती है। ताम्र हारपून क्या होता है? तो प्रागैतिहासिक कालीन भाला, मतलब एक इतना बड़ा भाला और इतना भारी भाला जिससे बड़े जानवरों का शिकार किया जाता था, जैसे कि व्हेल मछली या फिर गेंडा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि ताम्र हारपून कौन से सभ्यता स्थल से मिलता है, तो मल्लाह सभ्यता स्थल से, जो कि भरतपुर के अंदर है। फिर है कणसव स्थान, कहाँ पर है? कोटा के अंदर। मौर्य शासक राजा धवल का 738 ईस्वी में यहाँ अभिलेख की प्राप्ति होती है और यहाँ से मौर्यों की जानकारी मिलती है, जो कि कोटा और चित्तौड़गढ़ के अंदर आए थे। ठीक है, तो कणसव स्थान कहाँ से मिलता है अपन को? कोटा के अंदर से, और मौर्य काली सभ्यता की जानकारी यहाँ से देखने को मिलती है। ठीक है, फिर है बयाना, तो बयाना कहाँ पर है? तो बयाना है भरतपुर के अंदर, जिसको सोनितपुर, बयाना का प्राचीन नाम क्या है? सोनितपुर, ये आपको ध्यान रखना है। बयाना सभ्यता से सर्वाधिक कब्रों की प्राप्ति होती है, तो ये विशेषता बन जाती है इसकी कि वह कौन सा स्थान सभ्यता स्थल है जहाँ से सर्वाधिक कब्रों की प्राप्ति होती है, तो वो है बयाना सभ्यता स्थल। ठीक है, नील खेती हेतु प्रसिद्ध स्थल मध्यकाल के अंदर, तो मध्यकाल के अंदर जो बयाना सभ्यता स्थल था वो नील की खेती के लिए फेमस था। यहाँ से गुप्तकालीन सिक्कों का सर्वाधिक बड़े भंडार की प्राप्ति होती है, मतलब गुप्तकालीन जो सिक्के थे यहाँ से सर्वाधिक मात्रा के अंदर मिलते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना। फिर है नैनवा सभ्यता स्थल, कहाँ से? बूंदी से। कहाँ से मिलता है? बूंदी से। यहाँ से शाक्त धर्म के बारे में जानकारी मिलती है नैनवा सभ्यता स्थल से। कौन से धर्म के बारे में? शाक्त धर्म के बारे में। महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति मिली है, जो कि अपन को नगर सभ्यता में भी देखने को मिलती है, महिषासुर मर्दिनी की। ठीक है, नैनवा से मिल गई और नगर सभ्यता स्थल के अंदर से भी मिल जाती है। नवरात्रों पर दुर्गा सप्तमी के गायन का प्रमाण मिलता है और वहां पर अपन को सिंहवरूढ़ दुर्गा माँ की जो मूर्ति है वो भी देखने को मिलती है। ठीक है, और किसके अंदर? नगर सभ्यता के अंदर। और यहाँ पर नैनवा के अंदर नवरात्रों पर दुर्गा सप्तशती के गायन का प्रमाण भी देखने को मिलता है। अब कुछ अन्य स्थलों के बारे में देख लेते हैं कि एग्जाम के अंदर आपसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि ये स्थान कहाँ से मिला है। ठीक है, तो जैसे कि ईसवाल है उदयपुर में, डीडवाना नागौर में, एलाना जालौर के अंदर, ये पूछा भी जा चुका है कि एलाना जो सभ्यता स्थल है वो कहाँ पर है, तो वो जालौर के अंदर है। जूनाखड़ा पाली के अंदर है, लाचुरा भीलवाड़ा में, गिलुंड राजसमंद में, इंद्रगढ़ कोटा के अंदर, डाडा दोरा बीकानेर में, दर भरतपुर में, तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। तिलवाड़ा में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? ठीक है, तो वो भी आप मुझे बताइए। ओला व कुंडा जैसलमेर में, एक बार फिर से देखिए नीचे से ऊपर, ओला व कुंडा जैसलमेर, तिलवाड़ा बाड़मेर, दर भरतपुर, डाडा दोरा बीकानेर,
इंद्रगढ़, कोटा, गिलुंड, राजसमंद, लाछुरा, भीलवाड़ा, जूनाखेड़ा, पाली, एलाना, जालोर, डीडवाना, नागौर, ईसवाल, उदयपुर। एक बार फिर से देखिए, ईसवाल, उदयपुर, डीडवाना, नागौर, एलाना, जालोर, जूनाखेड़ा, पाली, लाछुरा, भीलवाड़ा, गिलुंड, राजसमंद, इंद्रगढ़, कोटा, डाडाथोरा, बीकानेर, धर, भरतपुर, तिलवाड़ा, बाड़मेर, उलावा, कुंडा, जैसलमेर। तो ये हमने देखा राजस्थान के प्रमुख प्राचीन सभ्यता स्थल। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके PDF मैं आपको टेलीग्राम पे लिंक भेज दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।